आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल संतोष नागवंशी टेक्निकल पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी अभी वर्तमान में कुछ ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो एक कर्मयोगी पोर्टल होता है और एक दूसरा आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल है, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। उन प्लेटफॉर्मों में ट्रेनिंग्स हमें किस तरह से करना है, उसमें सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी, उस प्लेटफॉर्म को आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। और उस प्लेटफॉर्म में हमें देखना है कि किस तरह से हम प्रारंभ के जो 8 कोर्स हमें करने हैं वो कैसे किए जाएं। साथ में ये देखना है कि अगर किसी का OTP नहीं आ रहा है तो उसको कैसे ठीक कराए। चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हमें करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आते रहें। चलिए चलते हैं तो कैसे हमें ये करना है देखेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको आई गॉट कर्मयोगी सर्च कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे दिखेगा आई गॉट कर्मयोगी। जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए क्लिक करूँगा, इस तरह से ओपन होगा। ये आई गॉट कर्मयोगी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में कुछ अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं और डाक कर्मियों की प्लेटफॉर्म अलग है जो URL पे लॉगिन होता है। यह मेरा जो है मोबाइल नंबर से पहले से ही लॉगिन है। मैं अभी एक बार इसको लॉगआउट कर देता हूं और लॉगआउट करने के बाद दोबारा फिर से लॉगिन करता हूं। मैंने लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद मैं दोबारा से इसमें लॉगिन करता हूँ। कैसे करते हैं देखते हैं। ओपन में क्लिक करना है। ओपन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन इसमें दिखाई देगा। हमें क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना होगा। अब इसमें साइन इन वो ही कर सकता है जिसने डाक कर्मयोगी पोर्टल जो URL पे लॉगिन होता है पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो ही कर सकता है। साथ में यहाँ पे लॉगिन विद पासवर्ड नहीं होता है, इसमें हमें प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक ही ऑप्शन से ट्राई करना है, लॉगिन विद OTP। सबसे पहले मैं एक गलत मोबाइल नंबर डालता हूँ। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ लोग की, ये देखते हैं। देखिए इस तरह से प्रॉब्लम आती है या एक स्क्रीन शॉट। ये स्क्रीनशॉट देखिए, इस तरह से एरर भी यहाँ पर आती है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, इसके लिए हमें हमारे डिवीज़न ऑफिस में जो इंस्ट्रक्टर है या हमारे डिवीज़न ऑफिस में जो सिस्टम मैनेजर है उन्हें बताना है कि हमारा मोबाइल नंबर आप डाक कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा दीजिए तो या चेंज करा दीजिए। तो आप अपना नया मोबाइल नंबर, उन्हें अपना मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय ID, आपका नाम और Gmail ID, ये चार चीज़ें आप अपने इंस्ट्रक्टर को दे दीजिए, इंस्ट्रक्टर को या डिवीज़न ऑफिस को दे दीजिए। जो डिवीज़न ऑफिस में ये काम देख रहे हैं वे आई गॉट से संपर्क करके आपका मोबाइल नंबर ऐड करा देंगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अभी मेरा ID इसमें मोबाइल रजिस्टर्ड है इसलिए मैं अपने मोबाइल नंबर से OTP के थ्रू लॉगिन करता हूँ। ये लॉगिन किया, OTP जनरेट हो गया। OTP हमें टाइप कर देना है, SMS में आएगा OTP, सबमिट कर दिया। अब हमें कोर्स कैसे करना है इसमें हम देखते हैं। सबसे जो बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स हमें कैसे करना है, सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेकंड ऑप्शन में आपको बताऊँगा। इस तरह से आता है कि प्रोफाइल अपडेट कर दो, रिमाइंड मी लेटर पर आप क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में ही क्यूरेटेड कलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूरेटेड कलेक्शंस, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करिए, इसमें बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे आपको। बेसिकली अभी जो है 8 प्रारंभ के कोर्स करने हैं। ये 8 प्रारंभ के कोर्स उन्हें करना है जिन्हें रोजगार मेला के माध्यम से अभी रोजगार मिला है, जो कि अगस्त 2022 से जो लोग ज्वाइन हुए हैं उन्हीं लोगों को ये कोर्स करने हैं, जो नए रिक्रूटमेंट के एम्प्लॉय हैं जिनका अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है या अगस्त 2022 से जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उन्हें ही ये कोर्स कंपलसरी ही करने। पुराने कर्मचारियों को कुछ दूसरे तरह से ट्रेनिंग करनी है। ये पुराने कर्मचारियों के लिए डाक कर्मयोगी कोर्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दक्षता कोर्स, ये कोर्स करना है पुराने कर्मचारी को। लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं सिर्फ नए कर्मचारियों की। तो ये देखिए यहाँ पे डाक
कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इस नाम से आप सर्च मत करिए, अगर आप सर्च करेंगे तो कोई दूसरा कोर्स खुल जाता है ना। तो आप क्यूरेटेड कलेक्शंस में जाके कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल पे क्लिक करिए। क्लिक करने पे इस तरह से 8 कोर्स आपके यहाँ दिख जाएंगे। फर्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, 6, 7 और 8। ये 8 कोर्स आपको ओपन करके कंप्लीट करना है। कोई भी एक हम करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं सबसे कम टाइम वाला कौन सा है, ताकि आपके सामने ही ओपन करके किया जा सके। मैं इसको जो है सबसे कम जो टाइम का है 35 मिनट का है, कोड ऑफ कंडक्ट, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है स्टार्ट का बटन आएगा। स्टार्ट के बटन पे हमें क्लिक करना है। ये पूरा डिटेल दिखाएगा कि किस तरह का कोर्स कंटेंट है, किस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कोर्स का कंटेंट देखिए, 25 मिनट का एक कोर्स है और असेसमेंट होगा, टेस्ट होगा। तो अभी मैं इस कोर्स को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट में क्लिक किया, इस तरह से स्टार्ट होगा। वीडियो प्ले होंगे, मैं वीडियो प्ले करके रख लेता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोबारा से आपके पास आऊँगा। ये प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो प्ले चालू हो जाएगा। वीडियो देखना है उसके बाद ही कोर्स इस तरह से चलता है। जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, वीडियो जब कंप्लीट देख के हो जाएगा तो कोड ऑफ कंडक्ट रिसोर्सेज 25 मिनट में ऐसे ग्रीन टिक का निशान आ जाएगा। इससे ये समझ में आएगा कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसको मिस किया है या इनकम्प्लीट है तो ये ग्रीन का टिक इसमें नहीं आएगा। तो हमें ये वेट कर लेना चाहिए, वीडियो ठीक तरह से देखना चाहिए क्या सिखाया जा रहा है। अब इसके बाद अगला स्टेज में है असेसमेंट। असेसमेंट में क्लिक करना है और असेसमेंट हमें देना होगा। असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट दे देते हो तो इस तरह से आता है, वर्क डन 100% योर स्कोर, कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, कितना परसेंटेज बना, ये यहाँ पे इस तरह से दिखा देता है। डन पे हमें क्लिक करना है। डन करते ही ये देखिए दोनों हमारे कोर्स कंटेंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसको कट कर देते हैं या बैक आ जाते हैं। जैसे ही बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे योर प्रोग्रेस इज ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है, एकदम इमीजिएटली कम्प्लीट नहीं दिखाता है ना। यहाँ पर इसका प्रोग्रेस परसेंटेज थोड़ी देर में अपडेट होगा, इमीजिएटली नहीं होता, ठीक है। तब तक के लिए हमें वेट करना है, बार बार प्रयास नहीं करना है, टेस्ट भी बार बार नहीं देना है, वेट करना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में अपडेट यहाँ पे हो जाता है। देखिए किसी कोर्स में वीडियो के अलावा पीडीएफ भी आता है। आपके सामने मैंने एक पीडीएफ ओपन करके रखा एक कोर्स का। तो इसमें देखिए रेट्स को अपने को पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये देखिए ये सारे बाला मैंने 12 पढ़ लिए हैं, इसलिए अब ये ग्रीन हो गया है। इस तरह से पीडीएफ को हमें पढ़ना है, वन बाय वन रीड करना है, अच्छी तरह से देखना है उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपको इस तरह से सर्च करके कोर्स को सर्च नहीं करना है। देखिए मैंने कर्मयोगी प्रारंभ नाम से सर्च किया है तो देखिए कोई और कोर्स यहाँ पे आ गया है ना। आपको इस नाम से सर्च नहीं करना है, अगर बाय द वे सर्च करना भी है तो, है ना, क्योंकि कुछ दूसरा ही कोर्स है यहाँ पे। ये कोर्स आपको नहीं करना है। देखिए ये जो कोर्स आ रहा है 26 और 12 मिनट, है ना। कर्मयोगी प्रारंभ नाम से सर्च ना करें, जो कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था आपको क्यूरेटेड वाले कोर्स ऑप्शन से जाके आपको वो कोर्स को उठाना है। क्यूरेटेड में आपको मिलेगा तो यहाँ सारे लाइन से 8 देखेंगे, है ना। बाय द वे अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, ये सर्च बटन है, सर्च बटन में क्लिक करोगे, कंडक्ट जो भी अपना कोर्स है, कोर्स के कुछ कीवर्ड्स हैं उसको आप सर्च करिए। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये करना है। यहाँ और भी हैं, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब देखिए अब कंडक्ट आपने सर्च किए थे, यहाँ और भी बहुत सारे दिखाने लगे हैं ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया जो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रीन पे आइए, होम स्क्रीन पे कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल पे जाइए, यहाँ पे 8 आपको दिखेंगे जो करने हैं, है ना। इस तरह से आपको करना है।
देखिए, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई दूसरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए मैंने ये कर चुका हूँ लेकिन इसका प्रोग्रेस जो है ज़ीरो आ रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ, दोबारा से इसको रिज्यूम नहीं करूँगा, है ना। मैं कोई और दूसरा कोर्स तब तक मैं कर लेता हूँ, जैसे ये कोर्स को इनरोल करके रिज्यूम करके कर लेता हूँ, या सेल्फ लीडरशिप ये दूसरे कोर्स को मैं कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली हमें ये जितने भी यहाँ पे कोर्स कंटेंट हैं, कंटेंट में जाएंगे तो ये सारे में ग्रीन होना चाहिए तभी ये कंप्लीट होता है। जब तक मैं दूसरे कोर्स कर लेता हूँ, वेट करते हैं, उसी को बार बार नहीं करना है, थोड़ी देर तक वेट करना है। कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हम दोबारा से उसी कोर्स में क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, कर्मयोगी, आपका नाम लिखा रहेगा, कोर्स का नाम लिखा रहेगा और आपने किस दिनांक को इसे कंप्लीट किया वो लिखा रहेगा। मैं एक सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सर्टिफिकेट इस तरह से दिखता है। डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ बन जाएगा या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग ने ट्रेनिंग कोर्स ये कंप्लीट किया है, एक मैंने आपके सामने करके दिखाया है, बाकी भी आप लोग करिए कंप्लीट, आप लोग जी को ये करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि सब कुछ आपको कवर किया जाए। इसके अलावा अगर कुछ मिस हो गया है या आपके कुछ और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं एक्टिव रहता हूँ और आपको कमेंट के माध्यम से जवाब आपको दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है तो मैं आपको उसमें कमेंट के माध्यम से जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।